हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 2.0। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल आर वेल। सो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कि हमारा जो कि सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एस्टिमेट फर्स्ट। ओके, तो मैं ये सब्जेक्ट लेकर के आ रहा हूँ और ये सब्जेक्ट उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में है। ओके, तो ये सब्जेक्ट उनका रहेगा और ये क्या है, ये ड्राइंग से रिलेटेड सब्जेक्ट है। ओके, तो ड्राइंग ये स्टार्ट करने वाले हैं हम। ओके, तो पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। तो चलिए, तो पहले मैं सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ। ओके, तो सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं? तो सब्जेक्ट आपके टोटल 7 सब्जेक्ट हैं, यानी कि 7 सब्जेक्ट हैं टोटल, जिनमें से गाइस आपको 6 सब्जेक्ट में थ्योरेटिकल एग्जाम देना है। ओके, और एक जो कि आपका सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, ये आपका प्रैक्टिकल रहता है पूरा। ओके, इसमें आपको थ्योरेटिकल एग्जाम नहीं देना है, इसमें आपका प्रैक्टिकल होता है। ओके, तो आपके जो कि सब्जेक्ट है, पहला तो आपका सब्जेक्ट है कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। ओके, इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल। ओके, फिर इसके बाद आपका तीसरा सब्जेक्ट जो कि है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, और चौथा सब्जेक्ट आपका आता है इसमें पावर प्लांट इंजीनियरिंग, एंड पाँचवा सब्जेक्ट आपका आता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, और छठवां जो कि सब्जेक्ट है आपका एनर्जी कंजर्वेशन। ओके, तो गाइस जो कि आपका जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट, इसको हम EEE फर्स्ट भी कहते हैं। ओके, तो ये सब्जेक्ट आपका YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसको पूरा प्रिपेयर कराया जाएगा, यानी कि पूरा इसको कंप्लीट कराया जाएगा YouTube पर। ओके, और पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या है गाइस, आपको पावर प्लांट इंजीनियरिंग में क्या पढ़ना है मैं आपको बता देता हूँ यहीं पर, कि जैसे कि हमारी कोई इलेक्ट्रिसिटी है उसको हम जनरेट करते हैं, यानी कि जनरेशन होता है, जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट हुआ, हाइड्रो पावर प्लांट हुआ, न्यूक्लियर पावर प्लांट हुआ, तो इनमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है ना, वह कैसे जनरेट होती है, तो पावर प्लांट में आप ये सब सीखते हैं। ओके, और पावर प्लांट कितने टाइप के होते हैं ये भी आप इनमें सीखते हैं। ओके, इस सब्जेक्ट में आप पढ़ोगे, और इसके बाद क्या होगा कि ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या सीखोगे कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, अब उसका हम ट्रांसमिशन करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस से करते हैं। ओके, और किन इक्विपमेंट्स की हमें सहायता लेनी पड़ती है। ओके, और कैसे किया जाता है ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, तो भाई साहब आप किस में सीखोगे, ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन में आप इसमें सीखोगे। ओके, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन में आप क्या सीखते हो कि हमारी जो एनर्जी होती है उसको हम कंजर्व कैसे करते हैं, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। ओके, तो एनर्जी कंजर्वेशन में आप ये सब सीखते हैं, और ये सब्जेक्ट ऑल ब्रांच में कॉमन सब्जेक्ट रहता है। ओके, चलिए, तो चलिए अब बात करेंगे हम इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग के सिलेबस के बारे में। तो चलिए हम इस सेशन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, यानी कि सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे EEE फर्स्ट की, कि हमें सिलेबस में क्या क्या दिया गया और हमको क्या क्या पढ़ना है। चलिए, तो देखिए आपका जो कि सब्जेक्ट है EEE फर्स्ट, तो इस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम पेपर होता है वह 50 मार्क्स का आता है, और हमको समय दिया जाता है 3 आवर्स, यानी कि 3 घंटे का हमको समय दिया जाता है। ओके, और आपको 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिनमें से गाइस आपको 10 क्वेश्चन करने होते हैं। ओके, यानी कि जो पैटर्न अभी है, अभी आपने दिया है, वही पैटर्न आता है। ओके, चलिए, तो हम बात करेंगे कि पहला जो कि आपका इसमें चैप्टर है, यानी कि आपका इसमें जो चैप्टर रहेगा वह रहेगा इलेक्ट्रिकल सिंबल का। ओके, तो पहला चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रिकल सिंबल, इसमें टोटल 10 चैप्टर है EEE फर्स्ट में, 10 चैप्टर हैं। ओके, तो पहला चैप्टर जो कि इलेक्ट्रिकल सिंबल, देखिए इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होते हैं, देखिए हमारा जैसे कि बल्ब होता है, घरों में यूज़ होने वाला बल्ब आपने देखा होगा। ओके, तो बल्ब कैसा होता है, बल्ब ऐसा जैसे कि बना होता है, सिंपली मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हो गया बल्ब। ओके, तो इस बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है, इस टाइप का होता है। तो ऐसे कई इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका सिंबल आपको इस चैप्टर में सीखना है। ओके, ड्राइंग बनाने से पहले हम इलेक्ट्रिकल सिंबल्स के बारे में सीखेंगे। ओके, इलेक्ट्रिकल सिंबल्स को किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ये सब हम इसमें सीखते हैं, और ये 5 नंबर के एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। इसके बाद आपका जो कि दूसरा चैप्टर है वह है वायरिंग डायग्राम। तो वायरिंग डायग्राम में आपको क्या सीखना है कि हमारी जो लाइट होती है, जैसे कि लाइट हो गया, यानी कि बल्ब हो गया, लैम्प लाइट हो गया, फैन, बेल एंड अलार्म सर्किट, तो आप इसमें क्या सीखते हो कि हमारा जैसे कि कोई बल्ब है, इस बल्ब को हमें कनेक्ट करना है, यानी कि कनेक्ट करना है सप्लाई के साथ। तो जैसे कि मैंने इसको कनेक्ट कर दिया सप्लाई के साथ, तो और जैसे कि मैंने इसको सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक स्विच लगा दिया। ओके, तो ये हो गया हमारा न्यूट्रल और ये हो गया हमारा फेस। तो ओके, अब देखिए, तो अब मैं क्या करूँगा, इस स्विच को ऑन करूँगा तो हमारा बल्ब जल जाएगा। ओके, और स्विच को ऑफ करूँगा तो बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो इस टाइप से गाइस आपको क्या सीखना है, इसमें हमारा जो बल्ब होता है वह कैसे कंट्रोल करते हैं, और फैन को हम कैसे कंट्रोल करते हैं या कनेक्ट कैसे करते हैं सप्लाई के साथ, ये सब आप इस चैप्टर में सीखते हो। और स्टेयरकेस, यानी कि स्टेयरकेस और गोडाउन वायरिंग इसमें आपको सीखनी है, यानी कि स्टेयरकेस जैसे कि
ये हमारे सीढ़ियाँ हो गई, ये हो गई हमारी सीढ़ियाँ, ओके। और यहाँ पर हमने एक लगा दिया लैम्प, ओके। तो इस लैम्प को हमें कंट्रोल करना है यहाँ से, यानी कि हम यहाँ से चढ़ रहे हैं ऊपर, ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ से हमने स्विच को ऑन किया और ये बल्ब जल गया। अब हम ऊपर पहुँच गए और हमने एक बोर्ड यहाँ पर लगा दिया, यानी एक स्विच यहाँ पर लगा दिया और यहाँ पर मैंने इसको ऑफ कर दिया, तो यानी कि बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको क्या सीखनी है, स्टेयरकेस वायरिंग इसमें सीखनी है। इसके बाद जो गोडाउन वायरिंग होती है वो भी इसमें हम सीखते हैं, ओके। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इसमें। इसके बाद ट्रैफिक लाइट, तो ट्रैफिक लाइट सिग्नल कंट्रोल में आपको क्या सीखना है कि जैसे कि हमारा कोई रोड क्रॉसिंग हो गई, यानी कि जी हमारी क्या होगी, क्रॉसिंग हो गई, ओके। तो क्रॉसिंग पर आपने देखा होगा यहाँ पर हमारे लैंप लगे होते हैं, यानी कि बल्ब लगे होते हैं, जो कि हमारे कौन कौन से होते हैं, रेड होता है, ग्रीन होता है, येल्लो होता है, ओके। चारों साइड लगे रहते हैं, ओके। तो इन चारों बल्बों, इन चारों साइड के बल्बों का, यानी कि तीन तीन बल्ब, यानी कि हमारे कितने बल्ब हो गए, ये टोटल हमारे हो गए 12 बल्ब हो गए। तो इनको हम कैसे कनेक्ट करते हैं, ओके। जैसे कि हमें अब यहाँ से, आपने देखा होगा कि यहाँ पर रुका हुआ है, यहाँ पर गाड़ी रुक जाती हैं, ओके, और गाड़ी यहाँ से रुक जाती हैं। इसके बाद हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो इस साइड से निकल जाती हैं और ये इस साइड से निकल जाती हैं, है ना। तो हमें ये कंट्रोल करना सीखना है, इसमें हम कैसे कंट्रोल करते हैं और इनका कनेक्शन कैसे करते हैं, पूरा इसमें हम मल्टी लाइन डायग्राम के साथ पूरा सब सीखते हैं, सिंगल लाइन डायग्राम के साथ, ओके। इसके बाद तीसरा जो कि चैप्टर है आपका, तीसरा चैप्टर है पैनल्स एवं डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड से। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि हमें उसमें नाप दी जाती है कि हमें इतने नाप का क्या बनाना है, एक पैनल्स बनाना है, ओके। और स्विच दिए जाते हैं, स्विच हो गया और सॉकेट हो गया, और जो होल्डर होता है उसकी नाप दी जाती है हमें को, ओके। तो उस नाप के थ्रू हमें एक पैनल्स या डिस्ट्रीब्यूशन डिज़ाइन करना होता है, तो वह सब हम इसमें सीखते हैं। इसके बाद आपका जो कि फोर्थ चैप्टर है वह है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में आपको क्या सीखना है कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें वह आपको एक डायग्राम देता है, ओके। एग्जाम में आपको डायग्राम दे देता है, या तो भाई ट्रांसफार्मर का दे सकता है, या रोटर का, स्टेटर का, किसी का भी एक डायग्राम दे देगा और उसका आपको क्या बनाना होता है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाना होता है, ओके। तो इसमें हम कौन कौन से प्रोजेक्शन सीखेंगे, इसमें सीखेंगे ट्रांसफार्मर का सीखेंगे, रोटर का सीखेंगे, स्टेटर का सीखेंगे, बस वायर का सीखेंगे, किटकैट फ्यूज़ हो गया, पिन टाइप इंसुलेटर हो गया, और सेगल टाइप इंसुलेटर का सीखेंगे, स्टे एंड सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का हम बनाना इसमें सीखेंगे। इसके बाद आपका जो कि फिफ्थ चैप्टर है, तो फिफ्थ चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है, देखिए फिफ्थ चैप्टर है आपका वायरिंग डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम से। तो गाइस इसमें क्या है, आपको दो वायरिंग डायग्राम पढ़ने हैं, यानी कि दो डायग्राम सीखने हैं किसी भी ग्राफिक पैकेज के, ओके। चलिए इसके बाद इसमें क्या है, हमें इसमें पढ़ना है छठवें में, छठवां चैप्टर आपका यह पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर है, ओके। तो इसमें हमें सीखना कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है और उसका उद्देश्य क्या है। इसके बाद हमें प्रोफॉर्मा तैयार करना सीखना है, और प्राइस लिस्ट क्या होती है इसके बारे में पढ़ना है, कॉस्टिंग क्या होती है ये सीखेंगे हम इसमें, ओके। मार्केट सर्वे कैसे की जाती है, कैसे करते हैं, ये भी सीखेंगे हम इसमें। इसके बाद जो ओवरहेड चार्जेस होते हैं, लेबर चार्जेस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये भी हम इसमें सीखते हैं। इसके बाद आपका जो कि सातवां चैप्टर है भाई क्या है, टाइप्स ऑफ वायरिंग, ओके। तो टाइप्स ऑफ वायरिंग में आपको क्या सीखना है कि क्लीड वायरिंग क्या होती है, इसके बारे में पढ़ना है, ये भी आपका क्या है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ओके। यानी कि थ्योरेटिकल चैप्टर है ये आपका। तो टाइप्स ऑफ वायरिंग में आपको सीखना है कि वायरिंग हमारी कितने प्रकार की होती है, और कंपैरिजन ऑफ वायरिंग सीखना है आपको, और पढ़ना किस किस के बारे में, क्लीड वायरिंग के बारे में पढ़ना है आपको, बैटन वायरिंग के बारे में पढ़ना है, और केसिंग कैपिंग वायरिंग क्या होती है, कंड्यूट वायरिंग क्या होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है, ओके। इसके बाद एट्थ चैप्टर जो कि आपका एस्टिमेटिंग एवं कॉस्टिंग, देखिए ये बहुत ही मोस्ट चैप्टर है गाइस, और ये इससे हर साल, ओके, हर साल क्या होता है, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ओके। और इसमें हमें सीखना है कि जो डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन होता है, ओके, यानी घरों में जो हम वायरिंग करते हैं वह कैसे करते हैं, और जो इंडस्ट्रियल होता है, इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन भाई कैसे करते हैं, सर्विस कनेक्शन कैसे दिए जाते हैं, यानी कि सर्विस कनेक्शन हम देते हैं उनका एस्टिमेटिंग कैसे करते हैं, ओके, ओवरहेड और अंडरग्राउंड कैसे दिए जाते हैं, ये सब आपको इसमें पढ़ना है। यानी कि जैसे कि हमारा एक रूम हो गया, डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन की यदि हम बात करें, एक रूम हो गया और रूम में हमें 2 फैन लगाने हैं, ओके। जैसे कि एक हमारा हो गया रूम, ये हो गया हमारा रूम, और इसमें में क्या है कि हमें 2 फैन यूज करने हैं, या एक फ़ैन यूज करना है, और 2 लैंप लगाने हैं, 1 ट्यूबलाइट लगानी है, और 1 सॉकेट लगाना है, तो वह हम कैसे लगाएंगे, तो वह सब हम इसमें सीखते हैं, ओके। और इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन में क्या होता है, हमारी जो मोटर होती हैं, मशीन होती हैं, तो मशीन का कनेक्शन हम कैसे करते हैं, वह हम इसमें सीखते हैं। और सर्विस कनेक्शन, जैसे कि आपके घर के बाहर जो एनर्जी मीटर लगे होते हैं, है ना, तो उनका कनेक्शन हम कैसे करते हैं, या कैसे दिया जाता है, जैसे कि ओवरहेड के द्वारा दे रहे हैं, ओके, तो भाई कैसे देंगे, और किस टाइप से दिया जाता है, और अंडरग्राउंड किस टाइप से दिया जाता है, इनका एस्टीमेशन और कॉस्टिंग, ये सब हम इसमें सीखते हैं,
ओके, इसके बाद आपका जो कि 9th नंबर का चैप्टर है वह है एस्टिमेटिंग मटेरियल रिक्वायर्ड। तो गाइस देखिए, इसमें क्या आपको सीखना है, इसमें हमारे जो ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती हैं ओवरहेड एवं अंडरग्राउंड, तो उनकी हम प्लानिंग एवं डिजाइनिंग सीखते हैं इसमें। इसके बाद हमें सब स्टेशन के बारे में पढ़ना है इसमें कि सब स्टेशन हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ओके, और सब स्टेशन की हम अर्थिंग कैसे करते हैं भाई आपको इसमें पढ़नी है। इसके बाद है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम, इसमें हमें सिंगल लाइन डायग्राम बनाना सीखना है आउटडोर सब स्टेशन का और इंडोर टाइप सब स्टेशन का, जो कि हमारा रहेगा 11 KV और 33 KV सब स्टेशन के बारे में बस इसमें डायग्राम बनाना सीखना है। इसके बाद आपका जो कि 10th नंबर का चैप्टर है वह है आपका प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट्स, यानी कि हम टेंडर कैसे देखते हैं, ओके, और टेंडर को कैसे लिखा जाता है, ये सब हम इसमें सीखते हैं। ये भी आपका क्या है, एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, ओके, और ये टेंडर डॉक्यूमेंट से आता है ये क्वेश्चन, ओके, तो इस टाइप से क्या है आपको EDD अपनी ख़त्म कर लेनी है, ओके। और ये मैं आपको बता दूं कि जो हमारा EDD सब्जेक्ट है, ओके, ये मैंने आपको बता ही दिया कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और इसको फुल्ली कंप्लीट कराया जाएगा YouTube चैनल पर, ओके। तो गाइस आप बने रहिए YouTube चैनल पर, और जो भी स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आपके दोस्त हैं उनको वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, ओके, क्योंकि गाइस ये सब्जेक्ट आपको YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं नहीं मिलेगा, ओके गाइस। तो इसीलिए आप एग्ज़ाम के टाइम के लिए मत बैठिए कि एग्ज़ाम में आपको क्या है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए जाएंगे और उनको आप पढ़ लेंगे तो आप पास हो जाएंगे। देखिए मैं आपको उससे कहना चाहूँगा कि हमारे क्या है, ये ड्राइंग है, ओके, जब तक आप ड्राइंग को बनाना नहीं सीखेंगे तो आप इसमें कुछ नहीं बना पाएंगे, क्योंकि गाइस जो आपकी इंजीनियरिंग है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो आप की जो फीलिंग होती है ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, भाई कैसे आएगी, जब आप यह वाला सब्जेक्ट पढ़ोगे ना तो आपको फीलिंग आने लगेगी, ओके, तो आपको लगेगा कि हाँ कि मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, ओके, जब आप कनेक्शन करते हो ना घर की वायरिंग करते हो। और मैं इतना कह सकता हूँ, यदि गाइस आपने यहाँ से पूरा पूरा यह सब्जेक्ट पढ़ा तो गाइस आप घर की वायरिंग कर लोगे, ओके, तो इसलिए गाइस आपको ये सब्जेक्ट बहुत ही मोस्टली ध्यान दे करके पढ़ना है, ओके, और मज़ा बहुत आएगा इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे अपन, ठीक है गाइस। और जितने भी आपके दोस्त बहनें भाई बहन जितने भी हों आपके, तो आप उनको भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो। यदि आप सिविल से मैकेनिकल से, आप अपने इलेक्ट्रिकल दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो, ओके, थैंक यू गाइस।